एल्विश यादव विवाद में पड़ते हैं या विवाद उनके पीछे पड़ जाते हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उनके जिंदगी में ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से वो चर्चा में रहते हैं, और इस बार चर्चा की वजह है हाँ रैप्टा, थप्पड़, चाटा, जो आप कह लीजिए। एल्विश यादव का एक थप्पड़ सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां पर एक तस्वीर निकल कर आ रही है कि एक रेस्टोरेंट में किसी आदमी को वो फटाक से देते हुए नजर आते हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें हो रही हैं, एक यार आदमी कितना घमंडी है, मतलब फैन फॉलोइंग होगी तो किसी को थप्पड़ मार देगा, क्या तरीका है, कुछ तरीका है ये, मतलब आपके पास दूसरे तरीके होते हैं, शिकायत कर दीजिए, आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। दूसरा तरीका है जो एल्विश कह रहे हैं और उनके फैंस कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने स्टाइल के, हमारा सिस्टम है, अब हमारे सिस्टम में अगर आप हमको आकर गाली देंगे या हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे तो फिर चाहे पुलिस खड़ी हो चाहे कमांडो, हम तो आपको रैप्टा देंगे। और वही बात और यही कहानी एल्विश भी कह रहे हैं। तो हमें लगा पूरा विवाद क्या है हम आपको समझा दें। दरअसल एल्विश जो है वो फिलहाल जयपुर के अंदर मौजूद थे, और जयपुर में देर रात 22 गोदाम स्थित एक टाउन कॉफी रेस्टोरेंट है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, वहां पर खाना खा रहे थे और वहीं पर एक लड़का और था जिससे इनका विवाद हुआ है। एल्विश ने इस लड़के को थप्पड़ मारा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट है। हालांकि एल्विश इस पूरे मामले को लेकर उनका स्टेटमेंट जो है वो कह रहे हैं कि यार मुझे लड़ाई वड़ाई करने का शौक नहीं है, मुझे हाथ उठाने का शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे करेगा तो फिर मैं मारूंगा, मैं ऐसा ही हूं। ओके, उनका ये कहना था कि भाई मैं अपने काम से काम रखता हूं, कोई कहता है भाई फोटो खिंचवा लो, मैं कहता हूं खिंचवा लो जी, कोई कहता है साथ में खड़े जाओ, मैं खड़ा होता हूं, लेकिन अगर आप पीछे से करेंगे तो फिर आपको भी तैयार रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि भैया देखो जब मैंने थप्पड़ मारा वहां पुलिस भी है, कमांडो भी है, कुछ गलत कर दिया पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, आप मुझे गालियां नहीं दे सकते, अगर आप मुझे गालियां देंगे तो फिर आपकी पिटाई होगी। और वो मुंह से बोलता है, बस हम मुंह से नहीं बोल पाते भाई, हमारा तरीका बोलने का अलग है, मैंने इसलिए उसे थप्पड़ मार दिया। अब ये एल्विश यादव का वर्जन है, वो कह रहे हैं सच्चाई क्या है वो हम भी नहीं जानते, लेकिन रेस्टोरेंट के ओनर की तरफ से कहा गया कि एल्विश देर रात अपनी टीम के साथ आए थे, यही जानकारी मिली, एक टेबल पर बैठे थे, जिसके बाद कुछ कस्टमर ने उन पर कोई टिप्पणी की, अब वो गाली थी या कुछ और क्या। हाँ, उनका एक गाना आया ना आपको याद होगा, वो छोरा राव साहब का, तो वो सारी चीज़ें थी, दो घंटे वो देर आए थे, वो भी उन्होंने कहा कि भैया मेरा दोस्त उस था फंसा दिया था इस चक्कर में देर आया, फिर कहा जी जयपुर शहर अपना है, टाइम आ गया है जाम लगाने का, सिस्टम चलेगा, ये सारी बातें उनकी निकल कर आई थी, और ऑडियंस उनकी सिस्टम चल रही थी, फिर यही सब कर करा के दिन भर उनका चलता रहा, उनके फैंस भी काफ़ी हो गए थे, और उनकी टीम बता रही थी कि भाई जयपुर में उनके लिए 100-100 बाउंसर लगाए गए हैं, 5 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ उड़ है, मतलब पूरा माहौल जो है बनाया गया था। उसी माहौल के बीच में ये रेस्टोरेंट वाला कांड हुआ था कि एल्विश एक रेस्टोरेंट के अंदर थे और किसी ने कॉमेंट पास किया। अब आमतौर पर कोई और व्यक्ति होता तो आप शायद फर्स्ट एड में कहते कि यार थप्पड़ उप्पड़ मारना गलत बात है, बट एल्विश यादव का स्टाइल वही रहा है, एल्विश के जो ऑडियंस है उनका जो ग्रुप है वो भी इसी टाइप का रहा है, माहौल बना देना, दबंगई दिखा देना, टाइट कर देना। सो हमें लगा ये आखिरी फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये सही हुआ है, गलत हुआ है, बेवकूफ़ी है, मतलब क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेकर, क्या है कि ये जो हुआ है ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ तो क्यों हुआ, इसका लॉजिक आपको क्या लगता है। हमें लगा हम आप ही समझ लेते हैं कि ये सही था सिस्टम का या नहीं मारना चाहिए था, वो पता नहीं, क्योंकि एल्विश पर मतलब एल्विश भी उन लोगों में से है जिनको लेकर दो तरह की बातें होती है, एक उनका बहुत हार्डकोर फैन बेस है जो सिस्टम चलता है, जैसा कि दिन में भी दिखाई पड़ा, दिन में जब एल्विश जयपुर में थे तो पूरा जयपुर जो था वो काफ़ी हद तक जाम कर दिया गया था, हंगामा था, ज़बरदस्त भीड़ उड़ थी, लेकिन इसके बाद एल्विश का काफिला जब आगे बढ़ा तो खूब हंगामा, ज़बरदस्त फैन वैन दुनिया भर की। और दूसरा वो वर्ग है जो उनको चिढ़ाता है, मजाक उड़ाता है, कहता यार ये छपरी है, सांपों के जहर वालों से मजाक उड़ाता है, तो उनको लेकर ड्यूअल बातें होती है, एक वर्ग उनको कट्टर राम भक्त मानता है, कट्टर हिंदू वाला, दूसरा वर्ग है जो उन्हें कहता कि यार ये दंगे फसाद करवाने वाले लोग हैं। सो ये दोनों कहानी उनके साथ चलती रहती है। अब इसमें उस लड़के ने इनको गालियां दी या उस लड़के ने इनको कोई ऐसी कमेंट पास कर दिया जिससे इनका ईगो हर्ट हुआ, वो हमें नहीं पता।
लेकिन ये पता है कि ये मामला जो है काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है और ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि एल्विश के साथ कॉन्ट्रोवर्सी यहीं पे नहीं थी, दिन में भी जब वो मॉल के पास थे तो काफी भीड़ हो गई थी और रोड पर जाम लग गया था। इसके बाद पुलिस ने वहां डंडे का इस्तेमाल किया, काफी लोगों को वहां से डंडा वंडा मार के भगाया, कई सारे लोगों को खदेड़ा। वहां पर भी बताया गया जो मीडिया रिपोर्ट्स आई कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, थोड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिला, कई सारे एल्विश के जो फैंस थे वो आकर खड़े हो गए। फिर बाद में एल्विश ने भी काफी लोगों को एंटरटेन भी किया, गाना वाना सुनाया और काफी चीजें